मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ किसानों की धान खरीदने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते शेड्यूल के किसान धान खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी से जूझ रहे हैं। ताजा मामला बुधार थाना केंद्र का है, बुधार थाना खरीदी केंद्र का है, जहां बीते दो दिन से बारदाने की कमी बताकर किसानों की धान की तुलाई नहीं की जा रही है, जिससे किसान काफी परेशान है। किसानों को अपनी धान की सुरक्षा के लिए इस कड़कड़ाती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रात गुजारना पड़ रही है। किसानों का कहना है, इन्हीं सब परेशानियों के चलते आज देश का किसान सड़क पर है। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारी बारदाने की कमी होने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं निचले स्तर के कर्मचारी इन समस्याओं को स्वीकार कर ऊपर तक बात पहुँचाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी कहें, किसान परेशान है। हम लोग किसान है, बारदाने के लिए दो सुबेरे से यहाँ हम खड़े हैं, बारदाना नहीं मिल रहा है। सरकार को लान के धान देते, किस मेहनत से गाजते हैं, किस मेहनत से काटते हैं, और बोरी नहीं मिल रहा है, ताके हैं। सुबेरे से हम आज सुबेरे आज लाए हैं धान, हम नहीं मिल रहा है। परेशानी अब ये क्या है, वो धान में रूठा रहता है, उसको कहते हैं उड़ाओ, अब वो धान उड़ नहीं रहा है, अब उसको हम क्या करें। किसान आदमी 2 HP की मोटर से उड़ाते हैं तो भी नहीं उड़ता है, और यहाँ लाते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं, हम क्या करें। देखिए, अपने पास जितने यहाँ बुढ़ार केंद्र में बारदाना रहे वो प्रदाय कर चुके हैं, अब जो भी है DM साहब व्यवस्था बना रहे हैं, आजकल तक में बन जाएगी। बारदाने की देखिए कहीं भी कमी नहीं है, क्योंकि समिति के ऑपरेटर उसमें एंट्री नहीं करते हैं। जैसे बुढ़ार का एक प्रकरण कल आया था, तो धनपुरी वाले ने 22 तारीख को बारदाना भेजा है, ठीक है ना, फिर लोग कह रहे हैं बारदाना नहीं है। मैंने अभी आपको प्रमाण दिखाया, कलेक्टर साहब को मैंने इन्फॉर्मेशन दी, वो मैंने बताया, जो मिलर ने बारदाना भेजा वो मैंने आपको अप्रूव कराया, बारदाने की कोई कमी नहीं है।